जय हिंद एवरीवन। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग आर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट अटेम्प्टेड यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स और आपका इस बार प्रीलिम्स हो रहा है और आप इस बार मेंस दे रहे हैं, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। ये लंबा कोर्स चलेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इस कोर्स में हम पूरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन जीरो से स्टार्ट करेंगे। दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स वेर इन इन 2 to 3 months वी विल कवर द एंटायर सिलेबस। इट विल टेक गुड 4-5 months, 5 to 5.5 months। सो दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू बिकॉज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप भी कम है। तो आपको तो जल्दी जल्दी जो भी आपके पास में सोर्सेज हैं, जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, उसी को रिवाइज कीजिए। दोज ऑफ यू हु अपीयर्ड यस्टरडे and unfortunately couldn't clear the prelims and you want to give a better attempt next year, then optional आपका इस course के through तैयार हो सकता है, considering you are going ahead with political science and IR optional. Now before starting मैं quickly एक बार दोबारा बता दूँ कि ये 100% free course है and in order to register in this course you will have to go to our website called chetanbharat.com. आप जब chetanbharat.com के ऊपर जाएंगे, then like let me show you, let's say if I go to a home page, तो आपके यहाँ पे रजिस्टर हेयर का एक कॉलम है। आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे टैब के ऊपर एंड देन यू विल क्लिक ऑन यूपीएससी साइन अप एंड हेयर यू विल फिल इन योर बेसिक डिटेल्स। वंस यू फिल इन दिस बेसिक डिटेल्स, चूज कोर्सेज में आपको क्लिक करना है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर फ्री ऑप्शनल। एक और कोर्स आपको दिखेगा पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल मेंटरशिप प्रोग्राम, वो एक अलग चीज है। दैट वन इज अ पेड कोर्स जिसके हम चार्ज करते हैं 15,000 rupees प्लस GST। दिस कोर्स, इसमें भी आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, सभी नोट्स मिलेंगे। उसमें सिर्फ ये है कि हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, गूगल मीट होती है, उस टाइप की चीज़ें आई वॉन्ट टू डू बट फॉर थ्रू आउट द ईयर। तो दैट इज़ अनदर कोर्स। आपको अभी के लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज दिस कोर्स इज वट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको वहाँ से क्लिक करना है, वहाँ पर आपको यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। Lectures are going to be on YouTube, as I've said in the earlier class as well. They are also going to be on our learning app, Chetan Bharat Learning, as well as our website, chetanbharat.com. Then why do you need to register if the lectures are going to be on YouTube? There is going to be, जो भी कंटेंट मेरे को शेयर करना है, कोई आर्टिकल्स आपसे शेयर करने हैं, कोई हर एक लेक्चर के नोट्स जो मुझे शेयर करने हैं, वो मैं आपके साथ में ऐप पे ही शेयर कर पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज इट्स इजियर फॉर मी एंड सेकेंडली इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू लोकेट नोट्स एज वेल। वहाँ पर एक डाउनलोड रिसोर्सेज में मैं आपको सारे नोट्स दे सकता हूँ। हर वीडियो के नीचे हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, इट्स फार बेटर देन जो यूट्यूब वाला है। तो उसमें क्या है कि आप नीचे कॉमेंट का एक अलग सेक्शन है, डिस्कशन का अलग सेक्शन है, नोट्स का अलग सेक्शन है, तो इट्स ईजियर टू लोकेट। Second thing before starting this course, मैं ये पूरा कोर्स शुद्ध हिंदी में नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मुझे शुद्ध हिंदी में पूरा पॉलिटिकल साइंस करवाना आता ही नहीं है। वेल, मैनी ऑफ यू वुड से कि भाई आपको इंग्लिश में भी नहीं करवाना आता, पर जितना थोड़ा बहुत करवाना आता है वो शुद्ध हिंदी में नहीं करवाना आता। तो इसलिए माई अपोलॉजीज, मेरी गुस्ताखी, मतलब कि आई कैन ओनली अपोलोजाइज, मुझे आता ही नहीं है शुद्ध हिंदी में पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना। I could have tried to deliver the entire module, the whole 6 months of lectures in English, but I've decided against it as well. That was one of the policy decisions that we took when we were taking a few yesterday. So I'm not going to deliver the entire module in purely in English, और मैं पूरा मॉड्यूल उत्कृष्ट हिंदी में भी नहीं करवा सकूँगा। तो जो मीडियम रहेगा वो यही रहेगा जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, बट there is going to be greater tilt towards English because English medium में ही आपको exam देना है जो जो इसको देख रहे हैं। और हिंदी medium वालों से भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ UPSC की preparation कर रहे हैं, आप इस module को अगर strictly अच्छे से follow करेंगे तो within 10-15 days आपका और मेरा तालमेल बैठ जाएगा। जो मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, टूटी फूटी हिंदी है, उसको आप समझ जाएंगे और आपको एग्जाम में अच्छा आप लिख पाएंगे। सो डोंट वरी, आपको ये समझ आ गया एनरोल कैसे करना है, आपको लेक्चर का मीडियम समझ आ गया एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9 PM। नाउ मुझे ना जैसे, चलो मैं अब थोड़ा सा स्टार्ट ही करते हैं। आज पहला लेक्चर है, थोड़ा लाइट रखेंगे, बहुत बच्चों का कल प्रीलिम्स हुआ है। तो मुझसे ना कुछ बच्चों ने एक बार पूछा अभी कि
सर थिंकर्स कितने हैं? एक एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल्ड एंड शी वाज लाइक कि सर मैंने कुछ मेरे एक फ्रेंड हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि सर आपने रेकमेंड किया था लेकिन वहाँ पे मुझे थिंकर्स पढ़ने पड़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितने थिंकर्स हैं? किसी भी सब्जेक्ट में कितने थिंकर्स हैं ये कोई अरिथमेटिक कॉल आपको लेनी नहीं चाहिए। ये क्या बात बनी कि अच्छा इस सब्जेक्ट में 6 थिंकर्स हैं, इसमें 8 हैं, अच्छा फिर 6 वाला इजी हो गया, 8 वाला डिफिकल्ट हो गया या लेंथी हो गया। ऐसे आपको ये चीजों को देखना ही नहीं है। आइजैक न्यूटन का एक कोट है जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बोलते हैं कि एक मिजेट, एक छोटा सा पर्सन अगर किसी जायंट के ऊपर बैठ जाए तो शायद वो उस जायंट से भी दूर देख पाता है। एक छोटा सा व्यक्ति अगर किसी बहुत बड़े पर्सन के ऊपर बैठ जाए, जायंट के ऊपर, तो वो बहुत दूर देख पाता है, शायद उस जायंट से भी दूर। दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू टेक दिस थिंकर्स। इनको लायबिलिटी क्यों बना रहे हो टू स्टार्ट विद? अच्छा ये थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। इसको एम्ब्रेस कीजिए, प्यार कीजिए इससे। फिलॉसफी जो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, क्या होता है फिलॉसफी? फिलो प्यार, सोफी विजडम, नॉलेज, विजडम से प्यार कीजिए। पिछले 3,000 साल के, ऑलमोस्ट 2,500 साल के वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, एंशियंट ग्रीक थिंकर्स, यूरोपियन थिंकर्स, अरबिक थिंकर्स, जो अपने इधर इंडियन थिंकर्स रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑल द वे फ्रॉम कौटिल्य, इनफैक्ट उससे हम पूरा का पूरा प्रॉपर धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ेंगे। यू शुड बी एम्ब्रेसिंग दिस थिंग। इस चीज़ से आपको, इस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करना है, लाइबिलिटी की तरह नहीं लेना कि अच्छा ये भी पढ़ना पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक अच्छी चीज़ है। और हमने फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस पढ़नी क्यों है? एक तो अदरवाइज हमें एक कॉन्टेक्चुअल स्टडी मिलती है। ऑफकोर्स आप एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द स्कोप ऑफ UPSC IAS तक के स्कोप पे, बट अदरवाइज भी आप देखेंगे ना। अभी मैंने क्या बोला कि क्या है फिलॉसफी, क्या है ये जो सारी पॉलिटिकल साइंस है, एक तरह से लव फॉर विजडम। आप देखिए जरा आज की डेट में आप न्यूज़पेपर उठाइए, 5 न्यूज़पेपर अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, न्यूज़ चैनल्स उठाइए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स लिख, हम कुछ कुछ और बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसे पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी हो गई कि पता ही नहीं लगता कि सच क्या है क्या नहीं है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं डिसर्न कैसे करूं? मैं कैसे ट्राई करूं एटलीस्ट ये जानने का कि क्या बात सही हो सकती है, क्या बात सही शायद ना हो? विजडम के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू। और यही आपको इधर ऑप्शनल में भी करना है। आज की डेट में देर इज दिस रेस टू द बॉटम वेर इन एवरी वन इज ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। जब भी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ऑप्शनल की, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, विच शुडंट बी द केस। अभी मैं आपसे एक सेकंड में पास्ट ईयर पेपर डिस्कस करूंगा। हमारा स्टेप वन वही होना चाहिए कि हम देखें 2020 में क्या आया था। आपको अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको कोई क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि किस नेचर के सवाल आते हैं। और दोज ऑफ यू हु आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज से भी हैं बट पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, और आपको लग रहा है कि कोई JNU वाले बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, DU वाले बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, सो हाउ एम आई गोइंग टू डू बेटर देन दोज एस्पिरेंट्स? बाय स्टडी फॉर 7-8 मंथ्स। जब JNU में या फॉर दैट मैटर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उनको ना 10-10 नंबर के 150-150 वर्ड्स के आंसर्स लिखने सिखाएंगे। IAS का पैटर्न, IAS की डिमांड जो है, UPSC की डिमांड, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर जो इसका सिलेबस भी है, तभी मैं पास्ट ईयर पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एक बहुत फैंसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारा का सारा सिलेबस मैंने उतने ही डिटेल में किया था जितने डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है UPSC में। काफ़ी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई उनको भी एक साल पढ़ना पड़ता है, आपको भी एक साल पढ़ना पड़ता है। अब ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, हायर मैथमेटिक्स तो है नहीं कि किसी ने 2 साल प्रैक्टिस की है और बहुत तेज़ दिमाग भी है तो बेटर हो गया। अदर पर्सन कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट कुडंट प्रैक्टिस, तो स्पीड नहीं बनी। अब प्लेटो के आइडियाज़ हैं, एरिस्टोटल के आइडियाज़ हैं, मैकियावेली के आइडियाज़ हैं, फॉरन पॉलिसी है, जो भी आइडियाज़ हैं, मैं यहाँ तक भी लिबर्टी लेना चाहूँगा ये बोलने की कि एक ग्रेट चंक ऑफ जो सिलेबस है
वो आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स आई वांट यू टू रिवाइज ओवर एंड ओवर अगेन, बट आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा विजडम डेवलप करने पे होना चाहिए. फोकस जो होना चाहिए वो एनालिसिस पावर जो है उसको डेवलप करने के ऊपर होना चाहिए. अब बात यह आ जाती है कि चलो सर आपने बोल दिया विजडम डेवलप करनी है ताकि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से एक सेन मतलब थोड़ा सेन हम अपना टेक ले पाएँ, थोड़ी एनालिटिकल पावर डेवलप कर पाएँ. वो कैसे कर सकते हैं हम? बहुत तरीके हैं. थीम्स के थ्रू स्टडी करके कितने सारे हम देखेंगे कि थीम्स हैं हमारे, इतने सारे आइडियाज़ हैं. उन आइडियाज़ में मतलब से सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, डायलेक्टिक मेथड वर्सेस इंडक्टिव मेथड, दिस वर्सेस दैट, जब आप प्रॉपर अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे तो छोटी छोटी जो पॉलिटिकल मूव हैं, फॉर एग्जांपल से हम आम आदमी पार्टी के साथ में रिलेट करते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या फिर और काफ़ी सारे गुडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इज़ इट गुड फॉर द स्टेट इन द लॉन्ग रन? अगर आपको यही सवाल का जवाब जानना है तो आपको कैसे आप जानने की कोशिश करोगे? आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर करोगे. दिस इज़ द वे हाउ वी अराइव एट सम कंक्लूजन इन पॉलिटिकल साइंस, कि चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोगों के भले के लिए. भला क्या होता है? ठीक, कौन कर रहा है? सरकार कर रही है. सरकार क्यों क्या होती है? सरकार आती क्यों है पिक्चर में? सरकार बनाई क्यों थी? उसका पर्पस क्या था? इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि अच्छा सरकार का पर्पस था भला करना, और भला क्या होता है? फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलना. अब सरकार फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, चल बिंगो, राइट स्टेट, राइट काइंड ऑफ सरकार. अगर ऐसा नहीं था तो अलग बात. सो माई पॉइंट हेयर इज़ कि आपके पास बहुत सारी डिबेट्स आएंगी धीरे धीरे धीरे. उन डिबेट्स को आपको बहुत अच्छे से बहुत विजडम के साथ में समझना है, अपने बायसेस को अलग रखना है. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, हमें पता ही नहीं लगता. हम कॉन्शियसली तो फिर भी ट्राई कर लें कि मैं न्यूट्रल हो रहा हूँ. सब कॉन्शियसली हु आर वी? वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ से इन माई केस 35 ईयर्स ऑफ सोशल कंडीशनिंग. किसी ने बताया आप मेल हो, किसी ने बताया आप इंडियन हो, किसी ने बताया आप हिंदू हो, किसी ने बताया आप ब्राह्मण हो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और वो सब चीज़ें धीरे 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 करके आपको एक इंडिविजुअल बना देती. सेम वुड बी ट्रू फॉर यू एज वेल, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको आइडेंटिटी मिली है, जो भी आपको राइट और रॉन्ग बताया गया. तो उसके बाद जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है उससे अनबायस्ड होकर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट यू विल हैव टू ट्राई टू डू दैट. यू विल हैव टू गिव इम्पॉर्टेंस टू एवरी थिंकर. जब हमने उनको पढ़ना भी है ना, तो यहाँ पे आइडिया ये नहीं पढ़ना आपने कि अच्छा थिंकर ए जो है वो बी से बहुत बड़ा हो गया क्योंकि ए ने ये ओरिजिनल आइडिया दिया. हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे इन्वेंशंस की कदर की जाएगी, डिस्कवरीज की कदर की जाएगी. एक एक थिंकर हुए हम, आगे जाके देखेंगे बर्लिन, उन्होंने फॉर एग्जांपल मार्क्स के बारे में ऐसा बोला है कि यार बहुत सारे जो आइडियाज मार्क्स दे रहे हैं ये उन्होंने इन्वेंट नहीं किए, तो पहले भी हिस्ट्री में डिस्कस हुए हैं. तो हाँ बिल्कुल हुए, बट स्टिल मार्क्स इज वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग थिंकर्स बिकॉज द वे ही प्रेजेंटेड दोज आइडियाज. तो हु सेड इट फर्स्ट, हमारा कोई हमारा लक्ष्य नहीं है. हमने ये देखना है कि किसने कितने अच्छे से किस आइडिया को प्रेजेंट किया है, उसकी एनालिसिस कितने ज़बरदस्त हैं, कितने स्पॉट ऑन हैं, और आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में वो कितने बेटर फिट हो रहे हैं. आपको जैसे बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, सर डायनामिक सब्जेक्ट में करंट के साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है थ्योरी को, प्रैक्टिस को, ऐसे ऐसे वाली चाइल्ड लाइक बातें. अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी, जैसे मैं ही आपको अगले 15 दिन में आपको थॉट करवाऊँगा, कुछ थिंकर्स के आइडियाज़ करवाऊँगा, और उन थिंकर्स के आइडियाज़ को आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़ के नहीं देख पा रहे, इसका उल्टा हो रहा चाहिए इनफैक्ट कि यार आप प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़ के देख पा रहे हो करंट के साथ में, और मैं आपको रोक रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मत करो. बट अगर आप ऑटोमेटिकली थ्योरी को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ में जोड़ के नहीं देख पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आज से 6 महीने बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें और आपके दिमाग में हर एक चीज़ के पीछे लगे, अच्छा ये तो एरिस्टोटलियन आइडिया हो गया, ये तो मैकियावेलियन मूव होगी सरकार की, अरे हॉब्स वाला आइडिया हो गया, ये तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया. आप करंट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सब कॉन्शियसली बैक ऑफ योर माइंड में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चल रहा है. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये आपका और मेरा दोनों का फेलियर ही है.
तो ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है कि करंट को स्टैटिक के साथ में सर जोड़ना कैसे है। चैलेंज ये है कि इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन नहीं करनी, रुक जाना है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना, एग्जाम की नेचर के हिसाब से पढ़ना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द आइडिया इज कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करो। दिस इज द बेसिक आइडिया। चलो अब आई थिंक आपको बेसिक सी चीज़ समझ आई है। थिंकर्स में जो कि हम स्टार्ट करेंगे, थिंकर्स में हम पढ़ेंगे फिलोसोफर्स, गजब के फिलोसोफर्स जो किंग भी रहे हैं और स्लेव्स भी रहे हैं। ऐसे भी थिंकर्स रहे हैं जिनके पास पोस्ट रही है एक से एक, हमारे कई सिलेबस में भी नहीं है, अदरवाइज मार्कस ऑरियलिस जैसे थिंकर्स हुए हैं एक से एक, और ग्राम्सी जैसे भी हुए हैं जिन्होंने जेल्स में बैठ के लिखा है। ऐसे वाले थिंकर्स भी हुए हैं जिन्होंने ये बोला है, जैसे अगर हम सिनेसिज्म की बात करें कि यार नंगे पाँव घूम रहे हैं, कुछ खा पी भी नहीं रहे और मतलब डॉग्स की तरह रह रहे हैं बिल्कुल सड़कों पर। और ऐसे वाले भी थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने बोला है कि यार राष्ट्र को तो एक्सपेंड करना है, स्टेट शुड आइदर पेरिश, स्टेट शुड आइदर एक्सपेंड और पेरिश, कि राष्ट्र को तो एक्सपेंड करना है और रियासतों को अपने कंट्रोल में लेके आओ। ऐसे वाले भी थिंकर्स हुए हैं जो लॉयर्स रहे हैं, ऐसे वाले भी रहे हैं जो डॉक्टर्स रहे हैं। मेनली थिंकर्स मैन रहे हैं पॉलिटिकल फिलोसोफर्स में, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर मैन। उसके बहुत सारे कारण हैं, सोसाइटीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स हैव बीन पेट्रियार्कल इन जनरल, और इसी वजह से आप ये भी देखेंगे कि मेनली पॉलिटिकल थॉट जो है या पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें भी आपको पेट्रियार्की के, जिसको बोलते हैं ना पुरुषवाद के, बहुत सारे आपको साइंस दिखेंगे, बहुत सारे। नाउ होगा क्या, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अदरवाइज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने एक एक, एक कहावत सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पर भी यही होता है, हमारे पॉलिटिकल थॉट में भी ऐसा होता है कि देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन क्राइसिस एंड पॉलिटिकल थियोराइजिंग। ये दो सिचुएशन तो हमेशा साथ साथ में चली हैं। हुआ क्या है, जब भी कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हुए, लेट्स टेक एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हो गई, लेट्स टेक 17th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन हो गई, वर्ल्ड वॉर टू हो गई, और इस तरह से जब वॉर्स हो रही हैं, या फिर सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइसिस की सिचुएशन आई है, उस समय फिलोसोफर्स ने देखा है कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसे काम करनी चाहिए, लॉज कैसे काम करने चाहिए, लोगों के राइट्स क्या होने चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, और कोई नई थ्योरी देखे गए हैं। वो जो नई थ्योरी है, नया जो एक मैक्सिम वो देखे गए, उससे उसको फॉलो किया गया या नहीं भी किया गया, उससे नए क्वेश्चन खड़े हुए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स, उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए नए सवाल खड़े हुए। इसी तरह से एक हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर आएंगे सबाइन, जिनकी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ आपको आती हैं पेपर में, मैकियावेली के केस में ज़्यादा आती हैं, हम करेंगे। तो जॉर्ज सबाइन यही बोलते हैं, बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, इसका कोई फाइनल चैप्टर नहीं है, कोई कंक्लूडिंग चैप्टर नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी का, ये एक नेवर एंडिंग सी चीज़ है जो चलती रहेगी, चलती रही है। क्राइसिस आएंगे, उनके ऊपर पॉलिटिकल थ्योराइजेशन होगी, फिर क्राइसिस आएंगे कुछ सालों बाद, थ्योराइजेशन होगी, ऑन सो ऑन। अब जैसे अगेन आज पहली क्लास है, वॉन्टेड टू कीप इट वेरी लाइट, इंटरनेशनल रिलेशंस में ही देख लो आप, पिछले 60 साल से 70 साल से सेंटर स्टेज क्या था दुनिया का, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप उस तरफ, अमेरिका, यूरोप उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर वन उधर हो रही है, वर्ल्ड वॉर टू उधर हो रही है, इनफैक्ट पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिवाइड भी हम करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका नेटो, एक सेकेंड वर्ल्ड USSR सोवियत, एंड उन्हीं की दृष्टि से उन्हीं को सेंटर मान के हम बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, हमारे जैसे देश। लेकिन अब अगर आप देखो सेंटर स्टेज कौन सी ज्योग्राफी लेते जा रही है पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी वाला एरिया, जापान, चाइना, इंडिया, ये वाला एरिया को अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया को, कितना सेंसिटिव होता जा रहा है। माय पॉइंट इज, यहाँ पर एक नए क्राइसिस आ रहे हैं, अब यहाँ पर एक नई थ्योरीज आनी शुरू हो जाएंगी, आज से 10 साल बाद आप देखेंगे। सो माय पॉइंट इज हियर अगेन, वंस अगेन, दैट हमें जो कुछ भी पढ़ना है, ये ऐसे नहीं पढ़ना कि अच्छा ये भी करना पड़ेगा, करंट से जोड़ के देखना होगा, ये करना होगा, अरे ये करने कुछ मतलब चाव से, उत्साह से
वैसे करना आपको ये सब कुछ. इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग जर्नी इफ यू शो सफिशियंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन इट, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट यू फाइंड द होल मॉड्यूल इंटरेस्टिंग. बिफोर स्टार्टिंग द मॉड्यूल आई वुड वॉन्ट टू गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. अदरवाइज अगर मैं आपको ये बात बोलूँ, एग्जाम को थोड़ा सा साइड में रखकर, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा मॉड्यूल है जो मुझे लगता है कि सारे देश में सबको पढ़ाना चाहिए. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, एक, हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि यार इंडिया में ना, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आप कभी ये नहीं बोलते कि यार इंडिया में ना पॉलिटिशियन तो बहुत ज़बरदस्त है, वो तो स्पोर्ट्स का टैलेंट नहीं है, नहीं तो ओलंपिक में बहुत मेडल आ जाए. आप क्या बोलते हो? अरे इंडिया में स्पोर्ट्स का टैलेंट तो बहुत है, पॉलिसीज अच्छी हो ना, प्रॉपर अटेंशन दी जाए तो बहुत मेडल्स आ जाए. हम कभी ये नहीं बोलते कि इंडिया की पॉलिटिक्स तो बहुत सुपीरियर है, लोग अगर साइंस पढ़ने लग जाएं तो इंडिया भी मार्स पे कॉलोनी बना दे. हम क्या बोलते हैं? इसरो में बहुत टैलेंट है, इंडिया में साइंटिफिक एक से एक आपको लोग मिल जाएंगे, स्मार्ट लोग, अगर राइट पॉलिसीज हों. सेम इज ट्रू अबाउट स्पोर्ट्स, सेम इज ट्रू अबाउट साइंस, सेम इज ट्रू अबाउट मेडिकल, सेम इज ट्रू अबाउट दिस, सेम इज ट्रू अबाउट दैट. अगर आप देखेंगे आप एक चीज पाएंगे कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है अगर आपकी वो सही है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सेंटर ऑफ ऑल द सिस्टम्स है, जो सारे सिस्टम्स को चलाता है. अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका सही है, आपके स्पोर्ट्स भी सही जाएगा, आपकी इकोनॉमी भी सही जाएगी. हम हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया में लोग बहुत एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर है. एक रिक्शा वाला भी खुद से रिक्शा चला रहा है, एक छोटे छोटे लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस करके बैठे हैं. बट अगर पॉलिटिकल जो वो हैं, हमारी पॉलिसीज अच्छी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी बनाए पॉलिटिक्स वाले, तो फिर इंडिया बहुत अच्छा चल सकता है. अगेन, अच्छा स्पोर्ट्स होना है कंट्री में, ये पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा है. अच्छी साइंस होनी है, पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा है. अच्छी हेल्थ होगी, ये पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड सो ऑन. सो अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी सिस्टम्स कंट्री में चल रहे हैं, आपका पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर पे है, उसको इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है. अब सबसे पहली चीज़ तो हमें यही पता हो कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, दूसरा पता हो कि इम्प्रूव्ड पॉलिटिकल सिस्टम किसको बोलेंगे. वो सब चीज़ों की एक विजडम लाने के लिए, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए, एक इन्फॉर्म्ड अदरवाइज, मतलब आप अपने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनसे क्या आपको सीख करना चाहिए, एवरीथिंग जो है वो सब पॉलिटिकल साइंस में छुपी हुई है. ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है. क्या डिफरेंस है ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अदरवाइज भी है. और जो बडिंग IAS ऑफिसर्स हैं, आप फ्यूचर के IAS ऑफिसर्स हो, आई एम होपिंग IPS ऑफिसर्स हो, इनकम टैक्स कमिश्नर्स हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, या जिस भी आप मुकाम पे पहुंचेंगे, तो आपके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मॉड्यूल, बिकॉज आपको फिर कल को वो सब चीज़ें करनी है जो हम एस्पायर करते हैं एज अ नेशन. तो चलिए पास्ट ईयर पेपर हम जल्दी से एक बार नज़र क्विकली गो थ्रू इट. तो यूजुअली क्या होता है कि आपके पास में दो पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के दो पेपर आएंगे आपको. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक का नाम होगा पेपर वन, दूसरे का होगा पेपर टू. नाउ पेपर वन एंड पेपर टू, 250 मार्क्स का. इन दोनों पेपरों में क्या होता है, इन दोनों पेपरों में आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं जिनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. कैंडिडेट को टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर पेपर जो है उसके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन वन में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन टू में 4 क्वेश्चन है. इनमें से आपको टोटल 5 करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है. अब सुनने में लगता है ठीक है, दो क्वेश्चन कंपलसरी हैं, दो हम यहाँ से कर लेंगे, 3 हम कोई भी और कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एक क्वेश्चन नहीं होता, छोटे 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 उन्होंने 4-5 सवाल पूछे होते हैं जो पूरे सिलेबस में स्प्रेड आउट होते हैं. सेम इज ट्रू अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, छोटे 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 कुछ सेक्शंस होते हैं जो पूरे सिलेबस से स्प्रेड आउट होते हैं. तो इसलिए हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, बट अगेन पढ़ेगा ऐसा हमने सोचना ही नहीं है. तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलते हैं 150 वर्ड्स में आंसर कीजिए.
इफ यू रिमेंबर इन माई अनाउंसमेंट वीडियो, जब मैंने कोर्स को अनाउंस किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि जिन्होंने भी 2022 में पेपर देना है, जिन्होंने दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2021 मेंस, आपको तो पढ़ने ही सिर्फ नोट्स हैं, आपको तो वैसे ही कोई बुक्स नहीं खोल के बैठ जानी, ओपी गाबा, सेबाइन, एंड्रू हेवुड, एंड्रू हेकर, ठीक, आईआर के लिए वो तपन बिस्वाल, ये किताब एलिफेंट डांस, डियर डांस, दिस डांस, कुछ नहीं पढ़ना, आप सिर्फ नोट्स पढ़िए बार बार, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको जीएस भी करना है। जिन लोगों को 2022 में एग्ज़ाम देना है, आपको भी हाईली रिलाई करना है किसी एक सोर्स के ऊपर और नोट्स के ऊपर। आप भी 15-15 किताबें पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्यों? आपको उसका इतना फ़ायदा भी नहीं है। इवेंचुअली देखिए क्वेश्चन आ गया आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अब ये अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि 150 वर्ड्स लिखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इवन इफ़ यू हैव रेड 20 बुक्स, डू यू रियली थिंक कि एग्ज़ाम वाले प्रेशर में आप कुछ ऐसे 150 वर्ड्स लिख के आ सकते हैं जो वो बच्चा नहीं लिख के आ सकता जिसने एक जगह से पढ़ा है लेकिन उसने अच्छे से रिपीटेडली वही पढ़ा है? इनफैक्ट दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू राइट वेरी लॉजिकल कोहरेंट 150 वर्ड्स कंपेयर टू यू, बिकॉज यू वुड हैव ओवरफ्लो ऑफ आइडियाज, वे टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू मे नॉट जॉट डाउन इनटू वर्ड्स प्रॉपरली। तो इसलिए बार बार स्ट्रेस करते हैं, अदरवाइज़ क्या है, एक बार आपका आईएएस हो जाए, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, जितनी मर्ज़ी रिसर्च करते रहना, पूरी ज़िंदगी आप जो मर्ज़ी पढ़ते रहना। सो वंस अगेन थोड़ा सा हमें अपनी अप्रोच को क्लैरिकल बनाना है। क्लैरिकल अप्रोच का मतलब क्या है, रिसर्चर्स की तरह नहीं तैयारी करनी, ये अगेन मेरा ओपिनियन है, मेरा सजेशन है। तो क्वेश्चन आया आपको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये सब वर्ड्स आपको अभी अगर एलियन लग भी रहे हो तो कुछ महीनों में बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे। पेपर दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आपको पता लगे कि काफ़ी इजी पेपर आता है। लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, वाह जी वाह। देन अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मैकियावेली सेकुलरिज्म, ये पांच चीज़ों के ऊपर आपको 150 वर्ड्स लिखने थे। दोज ऑफ यू हु हैव लाइक रेड एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस वुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत ईजी सवाल हो गया। देन उसके बाद हमारे पास में है मेक अ कंपेरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, अगेन इजी क्वेश्चन वंस यू हैव डन इट। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स दैट द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जे एस मिल। कुछ स्टेटमेंट्स हैं थिंकर्स की जो हम इनको पढ़ते हुए करेंगे, लेक्चर्स को पढ़ते हुए करेंगे, जो बहुत प्रिडिक्टेबल है, सेंस आप बना सकते हो उनकी, और उनके ऊपर आपको कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिख के आना है। व्हाट आई विल ट्राई व्हाइल डिलीवरिंग दिस लेक्चर्स इज कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो हम करें, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी प्रोवाइड कर दूं सो दैट आपको पता हो कि इस स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ें लिखनी है। नॉर्मली एग्जाम उन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू ही रिवॉल्व करता है, तो आई होप कि आपको उनके बाहर नहीं आएगा। देन असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल थियोरी, इस बार क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसका लीगल जो राइट है किस किस को मिलता है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। देन एक्सप्लीकेट द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज़म, गांधी जी के आइडियाज, अगेन वेरी सिंपल। एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, ये क्वेश्चन है। एंड देन एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन पोलिटिकल थाट, सो अगेन आपके पास चॉइस रहेगी, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, तो एक पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, चार। पहले वाला जो था जिसमें 150 वर्ड्स लिखने थे वो कंपलसरी है। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशियंट टू कंटेम्प्रेरी पीरियड, ये तो आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, अगले 20 डेज में ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट कर पाएंगे 20 डेज में ही। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, जब हम नॉर्म देते हैं कोई तो उससे पॉलिटिकल थ्योरी में उस अप्रोच की क्या सिग्निफिकेंस है। हम बहुत सारी अप्रोचेस करेंगे, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, टेक्स्चुअल अप्रोच, कॉन्टेक्स्चुअल अप्रोच एंड सो ऑन। डिस्कस कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसको हम अच्छे से देखेंगे। तो अगेन ये हो गया आपका पेपर वन। अब ये मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस ऑन देयर ओन फॉर यूपीएससी,
they spend disproportionate amount of time on political thought and theory. Sometimes they start their preparation with, say, a book on political theory, and then the next thing you know that they've been reading that book for the last 3 months, 4 months, and so on. Now, there is nothing wrong with that, provided that you don't have to take exam next year or the year after. You have 4 GS papers to clear, you have 1 essay to write, and you have, of course, CSAT and other qualifying exams, and over and above, political theory is not the only thing that is going to show up in your exam. So how are you going to cover your syllabus and revise it multiple times if you are just stuck up with one book for so long? So this is why I wanted to show you the papers, so that you can make out that it's very important to have a balanced approach. It is very important to know when to put my foot down and be like, bus, ये मैंने इतना ही पढ़ना है, इसके ऊपर अब जो मर्जी आता रहे, इसी को बस मैंने बार बार रिवाइज करना है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया अब सेक्शन बी पहले पेपर का. रोल ऑफ सोशलिस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. यू रिमेंबर इन माय अनाउंसमेंट वीडियो आई सेड दैट ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू स्टडी एनीवे, ये आपको वैसे भी पढ़ना ही था. तो सोशलिस्ट का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न ऑन सोशल इनइक्वालिटी. क्या कंसर्न रहा था, सामाजिक भेदभाव जो रहा है, जो सामाजिक असमानता, उस पर भारतीय संविधान निर्माताओं की क्या चिंता थी, क्या हो जाएगा यहाँ पर. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया आर्टिकल 32, उसके ऊपर आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स. नाउ यू सी व्हाई आई वाज सेइंग दैट इफ यू आर गोइंग विद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देन इट इज सेफ टू नॉट स्टडी फॉर GS2. Because your GS2 gets covered here. In fact, it is safe अगर आप पॉलिटी जो है पूरी की पूरी आप इधर ही बस आउटसोर्स कर दो पॉलिटिकल साइंस में. इस बार भी प्रीलिम्स में 17 क्वेश्चन आए हैं. मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चन आर वेरी थियोरेटिकल इन नेचर. एक क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ राइट टू प्राइवेसी वाले को कि वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, अदरवाइज इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस इन UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ थियोरेटिकल नेचर. So it's very, like, you are going to have good advantage if you study political science well. Then judicial overreach in India, again GS2 में भी आ सकता है. Mechanism for settling interstate disputes, ये सब हम अच्छे से करेंगे. तो ये क्वेश्चन है, अब ये देखो ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप एग्जाम में लिखाएंगे. Then question number 6, examine the role and functioning of Election Commission of India and CAG in the last 2 decades. Now this is one difference between PSIR optional and GS2 in general. There are two kind of, जैसे हम बोलते हैं ना कि thinkers, तो दो type में आप उसको categorize कर सकते हैं. One are theorist and other are public intellectuals. Theorist या फिर thinkers हो गए, जैसे मैं PSIR की बात करूँ तो से जॉन बॉडिन हो गए, या वॉल्टेयर की कोई हमने बात लिख दी मान लो एग्जाम में, J.S. मिल की कोई बात लिख दी, कार्ल पॉपर, ऐसे वाले कुछ थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर मैं IR की बात करूं, सुहासिनी हैदर, सी राजा मोहन, वो मिस्टर पंत, ठीक, शशि थरूर, हु आर दीज, दे आर पब्लिक इंटेलेक्चुअल, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, आते हैं इनके आर्टिकल्स. So in GS2 you can quote, to the best of my understanding, you can quote public intellectuals. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आर्टिकल लिखा और उसमें आपने कोई आंसर लिखा जनरल स्टडीज़ में और आपने प्रताप भानु मेहता का नाम लिख दिया तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं 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 भाई अब तो ये ऑप्शन का आंसर हो गया, नहीं 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 देखो नाम लिख दिया तुमने, ऐसा नहीं है. हाँ अगर आप उसको बहुत थ्योरेटिकल वो दे देंगे, थ्योरेटिकल शेप दे देंगे अपने आंसर को, then I would say कि you can, it's better to avoid that in your general studies paper, in your GS 1, 2, 3, 4, it's better to restrict to public intellect, views of public intellectuals, and you can also write certain things that you read here and there. In political science on the other hand, we are nobody. In political science, as I started my lecture with Albert Isaac Newton's quote कि it's better if you sit on a giant so that you can always quote the giant. आपको क्या करना है, कोई thinker को ही quote करना है, वो better रहेगा. Unless question ये बोल रहा है कि भैया आप बताओ. तो दूसरा एक जो difference रहता है PSIR में और GS में, वो क्या है, PSIR में
हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो शायद आपको जीएस टू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्या क्या इलेक्शन इंडिया के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो इंडिया के डेलिब्रेशन का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इतनी कमिटीज बैठी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। GS2 के लिए आपको इतना पता है चलेगा, इसको ऑफकोर्स लाइक देर इज़ नो एंड। ऑन दी अदर हैंड, PSIR में इस नेचर की पढ़ाई भी हमने करनी होती है कि इलेक्शन कमीशन का रोल कैसा रहा है, CAG का रोल कैसा रहा है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुए इंस्टीट्यूशंस, वो हम पढ़ते हैं। इसका और बेटर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप GS2 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, रिफॉर्म्स अंडरटेकन सो फार, इतने में आपका जो टॉपिक है वो तकरीबन कवर हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट PSIR अलॉन्ग विद सो मेनी अदर थ्योरेटिकल थिंग्स, वी विल ऑल्सो स्टडी पॉलिटिकल पार्टीज में, फॉर एग्जाम्पल, सोशियो इकोनॉमिक जो पैटर्न है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैंडिडेट्स का, उसका क्या चेंजिंग ट्रेंड रहा है, क्या अब ऐसा है कि पहले कम पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन थे अब ज़्यादा हैं, या इसका ऑपोजिट हुआ है, या ग्रोथ हुई है, क्या ऐसा हुआ है कि पहले जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बेटर थे कंपेयर टू अब, या इसका ऑपोजिट हुआ है। सो वी विल ऑल्सो स्टडी ट्रेंड्स, माई पॉइंट इज दिस दैट इन PSIR वी विल ऑल्सो ट्राई टू स्टडी ट्रेंड्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, ट्रेस द रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन ये GS2 में भी हो जाता है, हिस्ट्री में भी आपसे हो जाता है, यहाँ पर भी कवर करेंगे। टू वट एक्सटेंट हैज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिजल्टेड इन टू वुमेन एम्पावरमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बाद में वुमेन एम्पावरमेंट में क्या उसका बेनिफिट, क्या इन्हांसमेंट हुई है। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की है पंचायती राज में, कुछ केसेस हमें लिखने को होंगे, तो बहुत इजी एग्जाम है। माय पॉइंट टू डिस्कस दिस पेपर इज स्ट्रेट अवे इवन बिफोर लेक्चर नंबर वन इज सो दैट यू नो व्हाट टू एंटिसिपेट इन द एग्जाम, यू नो व्हाइल स्टडिंग कि कितना कितना पढ़ना है, और आपको भी पता लग जाए कि आपका GS और पॉल साइंस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। डज द फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया टेंड टू मेक इट अपीयर एज अ यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस। केसी वेयर बोलते हैं ना कि ये इंडिया फेडरलिज्म कहाँ है, इंडिया तो क्वाजाई फेडरल है। क्वाजाई फेडरल मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी फेडरल बट इन रियलिटी इट इज नॉट। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं लुक एट इंडियन सिस्टम द वे इट इज वर्किंग। क्या हो रहा है, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस में इंपॉर्टेंट सारी पावर सेंटर को दी हुई है, फिर उसके बाद IAS ऑफिसर्स डेप्यूटेड एट स्टेट्स, फिर AFSPA के प्रोविजन इतने सारे लग जाते हैं स्टेट्स में, फिर गवर्नर रूल, डेड लेटर है इन वर्ड्स ऑफ अंबेडकर जी कि यार ये तो कभी यूज़ ही नहीं होगा, वो 100 से ऊपर बार यूज़ हो गया पहले 50-60 साल में। फिर उसके बाद में प्रेजिडेंट रूल के बाद में और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो उससे ऐसा लगता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यूनिटरी ही है सिस्टम, तो उसको हमने डिस्कस करना है। हैज़ द थ्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट टिल्टेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, गिव योर आर्गुमेंट। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड विद एडिक्वेट रिफॉर्म्स। ठीक है, आपने लिबरलाइजेशन कर दी है, आपने प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कर दी है, बट डू यू थिंक दैट दे हैव बीन अकम्पनीड विद एडिक्वेट रिफॉर्म्स। फिर उसको प्रॉपर आंसर को स्ट्रक्चर देना कि रिफॉर्म्स इन से लेबर, रिफॉर्म्स विज़ावी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रिफॉर्म्स विज़ावी सोशल वेलफेयर एंड देन सो ऑन एंड देन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द इनएडिक्वेट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बोलते हैं ना कि टो द लाइन, पार्टी के इधर उधर की बात करेंगे तो फिर पार्टी चुप करा देती है। जैसे अभी चलो बहुत सारी हम बातें करेंगे आने वाले क्लासेस में। एग्जामिन द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। धर्म का एग्जामिन कीजिए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट, एग्जामिन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट्स इन इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्रेडिक्टेबल। तो ये होता है आपका पेपर 1, 250 मार्क्स का। आपको मैंने तो 8 के 8 क्वेश्चन दिखाए हैं, आपको 4 ही करने एग्जाम में।
you move on to the next paper, which is international relations. This paper is कि इसमें क्या होगा, हम देखेंगे सिलेबस में. मैं आपको आई आर की थ्योरीज करवाऊंगा और आई आर के हम आप करेंगे अच्छे से इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के रिलेशंस. तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर रहता है अगर आप अच्छे से करके आए. तो डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आउटलाइनिंग इट्स लिमिटेशंस. अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पार्ट ऑफ सिलेबस है जिसको हम डिस्कस करेंगे. एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी. इस बार भी प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आया है कि कौन सा बेस्ट सूटेड है लिबरल प्रिंसिपल लिबरल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए. तो अगेन ये आप बड़ी इजीली कर सकते थे अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं. हैज द इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी और हैज इट मेड पॉलिटिक्स मोर कैओटिक एंड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर अंडर प्रिविलेज्ड लोग, बेपढ़ लोग, गरीब लोग, ऐसे वाले लोग राजनीति में आ गए हैं सबॉल्टन, तो उससे राजनीति को फायदा हुआ है और इट हैज़ बिकम फुल ऑफ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट. कमेंट कीजिए. नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ. अगेन मैंने बाय चांस आपसे अनाउंसमेंट वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी कि ग्लोबलाइजेशन तो हो गई लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ है, दंगा पीड़ित नेशन, गरीब देश, इनके पर्सपेक्टिव से देखिए कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है जब जगह जगह पर अमेज़ॉन है और तो या फिर मैकडोनल्ड्स के खुलने से समोसों की दुकान को क्या फ़र्क पड़ा है. तो वी विल हैव टू, अगेन आई एम लाइक जस्ट मेकिंग इट साउंड ऐसे ही, बट वी विल डिस्कस इट. बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, फ्रॉम जोसेफ स्टिगलर टू अरुंधति रॉय. सबके हम व्यूज़ को अच्छे से कोट करेंगे. What are the core assumptions of idealism as an approach to study international relations? यहाँ से आपका आईआर शुरू हो जाता है. Explain the concept of balance of power. दो लोगों के पास ऐसे बंदूक है, दोनों एक दूसरे की तरफ तान के बैठ खड़े हैं, तो उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या बैलेंस है, ना वो गोली चलाएगा ना वो गोली चलाएगा. Various techniques for maintaining balance of power. Next, challenges in the operation of principles related to collective security in UN charter. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जब आप हमें एक बार अच्छे से आयर कर लेंगे. कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसके प्रिंसिपल के लिए UN charter में हमने बोला है कि क्या चैलेंजेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ सीनो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक राइवलरी फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन. चीन और अमेरिका, इनके जो प्रॉब्लम चल रही है, चीन एवं अमेरिका के बीच में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है, उससे हम सब जो हैं वो खामखा जो एशिया है या फिर साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, वो खामखा मतलब बीच में फंस सकते हैं. इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है इसका. नेक्स्ट, डिस्कस द वेज टू स्ट्रेंथन नैम टू अनेबल इट टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाई डेवलपिंग कंट्रीज. नैम जो नेहरू जी ने स्टार्ट किया था अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में, उसमें अब कोई जाता भी नहीं है मीटिंग में, मोदी जी तो जा भी नहीं रहे, उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है. नेक्स्ट, क्रिटिकली एवेल्यूएट द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. WTO हम अच्छे से करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद में दिस होल वर्ल्ड एंड इंटरेक्शन बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन हैज़ बिकम फास्टर, डीपर, क्विकर एंड सो ऑन. तो वो जो सब हो गया है उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा है इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड. WTO के हम प्रिंसिपल्स करेंगे अच्छे से, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड रूल्स ऑफ ओरिजन, वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज. ये आपका इकोनॉमी में भी एक लेक्चर लगता है इसके ऊपर, पर यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आप उसको करने के बाद में इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड रेज बाय द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब रियलिटी थोड़ा लेस प्रिडिक्टेबल था लेकिन आ गया तो इतना मुश्किल नहीं है. Are they likely to achieve their objective? Next question. Discuss the significance and urgency of UNSC reforms. बहुत predictable question है, तो GS2 में भी आ सकता है. Explain the relevance of reforms proposed made by
एक थे पोर्चुगल के एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे उसके ऊपर आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है. देन क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ आसियान एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जामिन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज. ये सब GS2 में भी करते हो. सो नाउ दैट यू हैव लुक्ड एट पास्ट ईयर पेपर यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स, स्पेशली ये उनके लिए ट्रू है जो एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं, वो देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मैंशनड यू मस्ट हैव रेड और यू आर गोइंग टू रीड फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर एज वेल. सो पूरा पेपर देखने के बाद हमें यही एनालिसिस होता है कि पूरे गिनती के पेपर वन में आप एक क्वेश्चन छोड़ दो, पेपर टू में आप एक क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सब तो वैसे ही आपको GS2 के लिए पढ़ना है, देन माइट एज वेल स्टडी अच्छे से. सो अगेन माई वर्ड्स टू यू आर कि आप इसको इस तरह से मत पढ़ाई कीजिए कि अरे यार ये भी पढ़ना पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी आप इसको पूरी शिद्दत से अच्छे से पढ़िए. नाउ थोड़ा सा मैं आपको आज लेक्चर में ब्रीफली 5-10 मिनट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा एक कॉन्टेक्स्ट, सो दैट कि हम कल से अच्छे से हमारे थिंकर स्टार्ट कर सकें. आप सोचिए मैं आपको कोई मूवी बीच में से दिखाना शुरू कर दूं, कोई सीन अब कितना भी अच्छा हो लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक आउट व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है. उसी तरह से अगर मैं आपको एकदम से थिंकर करवा दूं कि चलो थिंकर नंबर वन, तो आपको चाहे वो थिंकर अपने आप में समझ आ जाए पर आप उसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाओगे. तो हुआ क्या है बेसिकली, जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफीज पढ़ते हैं और जब हम एंशिएंट वर्ल्ड में जाते हैं तो तीन फिलॉसफिकल जो व्यू वो हैं, तीन सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर बहुत काम किया, जिसमें से एक रही है चाइनीज, दूसरी रही है इंडियन और तीसरी रही है एंशिएंट ग्रीक. जो इंडियन है ये हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, बहुत काम हुआ है हमारे इधर भी इसके ऊपर. एंशिएंट ग्रीक जो है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, चाइनीज हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक, तो चाइना और इंडिया में भी 6th century BC में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, एंड एंशिएंट ग्रीस में भी लेट 7th century में और अर्ली 6th century में ये तीन फिलोसफिकल्स जो है वर्ल्ड व्यूज इमर्ज हुए. लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये ग्रीक की एक डिस्टिंक्शन है जिसके लिए इनको लाइक वी मस्ट रिस्पेक्ट देम फॉर दैट. इनकी एक जो एक स्पेशल अचीवमेंट है कंपेयर टू अदर्स इज दैट दे कुड डेवलप फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम थियोलॉजी और इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन. हमारे यहाँ पे हम देखेंगे, चाइना के लिए भी थोड़ा सा ट्रू हो सकता है पर इंडिया के लिए ज़्यादा ट्रू है. वो क्या है कि जब भी हमने पॉलिटिक्स की बात की तो धर्म उसके साथ में, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, धर्म को थियोलॉजी को साथ में जोड़ के देखा. ऑन द अदर हैंड ग्रीक की अगर हम बात करें तो दे कुड सेपरेट द टू, कि यार रिलीजन जो है या स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं जो मेटाफिजिकल आइडिया हैं वो भी फर्दर कैटेगराइज किए जा सकते हैं, ये रिलीजियस आइडियाज़ को अलग किया जा सकता है, और राइट और रॉन्ग, स्टेट राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये वाले आइडियाज़ को अलग किया जा सकता है. सो ग्रीक की एक तो ये अचीवमेंट रही है. अब बात आती है कि मैं ग्रीक से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट्स से आज से 500 साल बाद लोगों ने पढ़ना है, जैसे साइंस के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बच्चों ने ये पढ़ना है और गाड़ियों के बारे में, तो वो कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, एक जापानीज कल्चर को पढ़ेंगे कि वहाँ पे गाड़ियाँ बनी होंगी, जर्मन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, USA की फोर्ड एंड जनरल मोटर्स को पढ़ेंगे, ऐसा ही होगा. वैसे ही जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा हुई है, जिसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, उसी को हम पढ़ेंगे. ऐसे तो क्या है ना, जो हिब्रूस थे उन्होंने बहुत रिलीजियस पोएट्री, लव पोएट्री, ओरेट्री, सब चीज़ों के ऊपर काम किया, पर ग्रीक ने भी एपिक पोएट्री, हिस्ट्री, ड्रामा, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ज्योमेट्री, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया. सो मच सो कि ग्रीक के इन्होंने वोवल्स को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे क्या हुआ, उससे पहले सिर्फ कंसोनेंट्स चलते थे. तो सो मच सो कि इन्होंने आने वाली इतनी सारी सिविलाइजेशंस को सोचने का एक, बोलते ना कि सोचने का एक वो दे दिया, पॉइंट दे दिया. हम एक ग्रीक थिंकर हैं प्लेटो, उनके बारे में यही बोलते हैं कि उसके बाद के जो थिंकर्स आए
उन्होंने जो कुछ भी सोचा वो क्या है, फुटनोट टू प्लेटोज आइडिया है। तो ग्रीस में क्या है, पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, साइंस अलग है, मिथ अलग है, समझ रहे हैं ना आप। साइंस है जिसको प्रमाण किया जा सकता है, समथिंग दैट इज विच इज एम्पीरिकली टेस्टेड। ऑन द अदर हैंड मिथ इज समथिंग जो आपका फेथ इन्वोक करता है कि भैया मानो। ये डिस्टिंक्शन जो है जिसको आज आप ग्रांटेड लेते हो कि हाँ भाई मिथ अलग चीज़ होती है, साइंस अलग चीज़ होती है, उन टाइमों में कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा ग्रीस कि उन्होंने इस तरह से आगे के बारे में सोचा। ऑल दो देवर प्रिटी एथनोसेंट्रिक, देवर लाइक दे हैड दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और इनके फिलोसोफर्स भी बहुत सुपीरियर थे और बहुत अलग अलग तरीके के थे। इनफैक्ट आपको हिस्ट्री में शायद भरत सर करवाएंगे कि जब इंडियंस ने ग्रीक्स को बोला कि हमें वाइन भेजिए, फिग्स भेजिए और फिलोसोफर भेजिए, तो उन्होंने बोला कि वाइन ले लीजिए, फिग्स ले लीजिए, पर हमारे फिलोसोफर जो हैं दीज वी वोंट बी एबल टू शेयर। इसलिए ग्रीस, एंशंट ग्रीस जो है फिलोसफिकली इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड था कि बहुत सैकड़ों साल बाद एक और थिंकर आएंगे जिनको हम बाद में करेंगे, जिनका नाम है फ्रेडरिक नीच्चा। वो डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि बोल्ड ओपननेस ऑफ अ फिलोसफिकल लाइफ, नॉलेज विजडम, इसके ऊपर बहुत काम किया ग्रीस ने। तो हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर, वो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पहले थिंकर हैं वो हैं प्लेटो, जिसको अरबी में बोलते हैं अफलातून, हमारे इधर पंजाब में या पाकिस्तान वाली साइड पे भी अफलातून के नाम से जाना जाता है। प्लेटो करेंगे हम, प्लेटो भी इनका असली नाम नहीं था, प्लेटो बोलते हैं चौड़े कंधे वाले को, ठीक, ब्रॉड पर्सन को। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनको प्लेटो बोलते थे क्योंकि इनके कंधे बहुत चौड़े थे, कुछ लोग बोलते हैं ब्रॉड इनकी बहुत नॉलेज थी इसलिए इनको प्लेटो बोलते थे। एनीवेज, हमारे फर्स्ट थिंकर सिलेबस में प्लेटो हैं, इनके जिनको इन्होंने अपना गुरु माना है वो हैं सोक्रेटिस, जिसको सुकरात भी बोलते हैं। सोक्रेटिस जिन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है पर अपने टाइम के ये प्लेटो की नज़रों में और बाकी बहुत सारे लोगों की नज़रों में बहुत बड़े ओरिजिनल थिंकर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल कि सोक्रेटिस के क्या आइडियाज़ थे, प्री सोक्रेटिक सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हुए, और फिर प्लेटो से हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आई सी यू ऑन वेंसडे विद माई फर्स्ट लेक्चर ऑन एंशंट वेस्टर्न पोलिटिकल थाट।